आज भारत की पूरी जनता में अगर किसी एक बात पर राष्ट्रीय सहमति है तो वो ये कि देश की सबसे बड़ी बीमारी भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पिछले 4 साल से मुल्क ने एक नई करवट ली है। जब हमने जन लोकपाल बिल के सवाल पर अन्ना हजारे की अगुवाई में देश को झकझोरा संसद को चुनौती दी और इस बात के लिए एक तैयारी बनी कि हम जन लोकपाल के जरिए सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकेंगे, बदकिस्मती से सभी दलों ने मिलकर इस आंदोलन को विफल किया। आज काले धन को लेकर के फिर से एक नई अंगड़ाई है, फिर प्रशासन में भ्रष्टाचार, रोज की जिंदगी में विद्यालय और चिकित्सालय से लेकर के रेलवे और आधार कार्ड तक चौतरफा भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ अखिल भारतीय मोर्चा बनाने की जरूरत है। बहुत खुशी की बात है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में मुल्क की अगुवाई कर रहे सबसे शानदार भ्रष्टाचार विरोधी न्यायविद श्री प्रशांत भूषण ने स्वराज अभियान के आह्वान पर भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा बनाने का संकल्प करने में हमारी मदद का फैसला किया है। उनके साथ देश भर के अच्छे वकीलों की पूरी टीम जिले से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक खड़ी हो रही है। आइए हम एंटी करप्शन फोरम से जुड़े, हर आरटीआई एक्टिविस्ट को, हर पीआईएल याचिकाकर्ता को हमारा भरोसा है कि अगर आप इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं तो स्वराज अभियान का एंटी करप्शन फोरम आपके लिए आपका है, आपको यह दावत है। आइए जुड़े और एंटी करप्शन फोरम के जरिए मुल्क में बदनुमा दाग की तरह बढ़ रहे भ्रष्टाचार को निस्नाबूद करें।